उत्तर प्रदेश में यदि बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो अयोध्या, काशी और मथुरा के मुद्दे पर उसका रुख क्या होगा? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की कितनी गारंटी होगी? ऐसे ही कुछ सवाल आज एक बार फिर अहम हो गए हैं। तो आइए इन्हीं सवालों पर चर्चा करते हैं कल्याण सिंह से। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के मंडावली गांव में 5 जनवरी 1932 को जन्मे कल्याण सिंह ने आगरा यूनिवर्सिटी से बीए तथा एलटी की डिग्री हासिल की और टीचर बन गए। इसी दौरान उनकी राजनीति में दिलचस्पी बढ़ी और 1967 में वे जनसंघ के टिकट पर पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़े और विधायक चुने गए। इसके बाद 1969 और 1974 के चुनावों में भी उनकी जीत हुई और वे पूरी तरह राजनीति से जुड़ गए। इमरजेंसी के बाद 1977 में वे उत्तर प्रदेश सरकार में हेल्थ मिनिस्टर बनाए गए। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और वे उत्तर प्रदेश भाजपा के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। 1984 में उन्हें स्टेट बीजेपी का प्रेसिडेंट चुना गया और 1989 में वे प्रदेश भाजपा विधायक दल के नेता निर्वाचित हुए। 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार भाजपा की सरकार बनी और 24 जून 1991 को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन 18 महीने बाद अयोध्या घटना के कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। दिसंबर 1993 में हुए विधानसभा चुनावों में वे 8वीं बार विधायक चुने गए और उत्तर प्रदेश विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। नवंबर 1995 में वे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। जब पिछली बार आप चीफ मिनिस्टर बने थे तो बाबरी मस्जिद गिरी थी, इस बार आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो कौन सी मस्जिद गिरवाएंगे, काशी की या मथुरा? पहले तो मेरा उस शब्द पर बड़ा सख्त एतराज है, जो लोग इसे बाबरी मस्जिद कहते हैं। वो एक ढांचा था और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध थी और आज भी है कि अयोध्या राम का जन्मस्थल है, राम जन्मस्थल पर भव्य राम का मंदिर बनाना चाहिए। अब 6 दिसंबर 1992 को जो घटना घटित हुई है वो पूर्व नियोजित नहीं थी। एक लंबे समय से करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को कुचला गया था, उन भावनाओं के कुचले जाने की प्रतिक्रिया में एक स्वतः स्फूर्त विस्फोट था कि 6 दिसंबर 1992 को वो ढांचा गया। ऐसे ढांचे और कहाँ कहाँ हैं जहाँ पे इस बार आपका हमला होना है? मथुरा वालों को भी ढांचे मानते हैं आप? हमारा और कहीं हमला होने वाला नहीं, हमला हमारा वो भी नहीं था। मैंने कहा कि सैकड़ों वर्ष से करोड़ों हिंदुओं की दबाई गई कुचली गई भावनाओं का स्वतः स्फूर्त विस्फोट था 6 दिसंबर 1992 का सारा घटनाक्रम। अच्छा, आज आप सही सही बताइए, इतने साल हो गए हैं, आपको पता था कि ढांचा गिरने वाला पहले से? मैंने कह दिया ना, कुछ आभास ये था। इट वॉज अनप्लैंड अनएक्सपेक्टेड बट द स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट ऑफ द एज लॉन्ग क्रस्ट फीलिंग्स एंड सेंटीमेंट्स ऑफ करोड़ एंड करोड़ ऑफ हिंदूज। कोई न एहसास था, न कोई अंदाज था और न कोई प्री प्लान था। लेकिन पब्लिक मीटिंग में तो आप दूसरी बात कहते हैं। पिछले चुनाव में आपने पब्लिक मीटिंग में कहा कि हमें सब पता था और मैंने जब मुझे खबर आई कि जय श्री राम हो गया काम, नहीं नहीं जब तो मैंने कहा चलो दो इस्तीफा। अब जब घटना घटित हो गई तो मैंने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मैंने किसी को क्यों कसूरवार ठहराऊं कि उस अधिकारी गलती थी, किसी कोई गलती नहीं, जो कुछ हो गया है अयोध्या के अंदर मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं। 6 दिसंबर को कहते कि आप बिल्कुल चिंतित नहीं थे, आराम से अपनी छत पे बैठे मालिश करवा रहे थे। नहीं, जब खबर आई कि हो गया ढांचा गिर गया है, मालिश वाले भी आपके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, सिर्फ जाके बाद में आपने इस्तीफा मजबूरी करी। मालिश वगैरह हम कुछ नहीं करा रहे थे, अपने आवास पर बैठे थे, हमारे एक दो साथी सहयोगी मंत्री भी आए हुए थे, उनसे हमारी बातचीत चल रही थी और अयोध्या में जो घटित हो गया, जब घटित हो गया तो हो गया, उठा करके अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमने त्याग पत्र दे दिया। कहते हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों को पहले से पता था और उनका पूरा प्लान था कि ऐसा करना, लेकिन उन्होंने आपको इसकी खबर नहीं दी। नहीं, मुझे आपको कॉन्फिडेंस मुझे ऐसा लगता, मुझे ऐसा लगता, मुरली मनोहर जोशी जी का भी नाम लिया जाता, विनय कटियार का नाम लिया जाता। मुझे राजीव जी ऐसा लगता है कि न किसी की प्लानिंग थी और कदाचित न किसी की जानकारी थी, वो एकदम जो स्पॉन्टेनियस उभरा वो फिर किसी पर कंट्रोल नहीं हो पाया। सही बात है। नहीं, लेकिन जिस तरह से उमा भारती वगैरह पहले से वहाँ नारे लगा रही थी,
जिस तरह वहाँ माहौल था, आपको अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकता हो? आपने प्रकाशन क्यों नहीं लिया? पूरी प्रकाशन थी, जो जो केंद्र की सरकार से हमको गाइडलाइन मिल रही थी, एक एक चीज का उसी प्रकार से प्रबंध किया गया था सुरक्षा की दृष्टि से। वो पत्रावली मौजूद है। नहीं, लेकिन सेंट्रल फोर्सेज वहाँ लगी थी, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया आपने? नहीं, हमने रोका ही नहीं। परिस्थिति वहाँ पर ऐसी पैदा हो गई कि सेंट्रल फोर्सेज जा नहीं सकी और गोली चलवाने का हम आदेश दे नहीं सकते थे, और गोली चलवाने का आदेश न देना हमारा कितना सही कदम था ये बाकी की परिस्थितियों ने भी सिद्ध कर दिया। नहीं, लेकिन आप गोली न चलवाते, आंसू गैस के गोले तो छुड़वा सकते थे, लाठी तो चलवा सकते थे, हेलीकॉप्टर तो वहां पे भेज सकते थे। लाठी चार्ज भी हुआ, आंसू गैस भी छोड़ी गई, ना काम रही सब। अरे जब वहां पर जो उत्तेजना लोगों में पैदा हो चुकी थी जिस सीमा तक, हम गोली भी चलवा देते तो अभी लोग तो मर जाते हजारों। हमने अनुमान लगाया कि ढांचा फिर भी नहीं बचेगा। हमने कहा ठीक है, लोगों को नहीं जाने देंगे, ढांचा जाता जाए। अच्छा, लेकिन जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आती है। आपने सुप्रीम कोर्ट में वचन दिया था कि हम ढांचा नहीं गिरने देंगे, और इसके बाद भी अगर गिर गया तो इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? मैंने सारी जिम्मेदारी अपने पर ओढ़ ली और ढांचा चला गया, कीमत अदा कर दी, आई रिजाइंड। अभी और क्या कोई हमारी जान लेगा? दे दिया छुट्टी पाई। आप कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा खून खराबा बचा लिया। हाँ, बचा लिया, लेकिन उसके बाद कितना खून खराबा हुआ? बंबई में दंगे हुए, पूरे देश में दंगे हुए, तमाम जगहों पे दंगे वहां पर हुए जहां पर भाजपा की सरकारें नहीं थी। जहां भाजपा की सरकार वहां नहीं हुए, और उत्तर प्रदेश में दंगा तब प्रारंभ हुआ जब केंद्र की सरकार से यह घोषणा हो गई कि उत्तर प्रदेश की सरकार भंग कर दी गई है। उसके पहले तो कुछ नहीं। इसका मतलब दंगा का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, कि जब चाहे दंगे हो जाए, जब ना चाहे दंगे ना हो। नो नो, दंगा ही जानते हैं कि भाजपा दंगा करने वालों के साथ सख्ती से निपटती है, इसलिए घर बैठ जाते हैं वो। यही हमारा रिमोट कंट्रोल है। अच्छा, आप देश की जनता को आश्वासन दे सकते हैं कि अगर आप दोबारा चीफ मिनिस्टर बने तो काशी और मथुरा में कुछ नहीं होगा? काशी ढांचा नहीं गिराया जाएगा? देखिए, काशी और मथुरा भाजपा के एजेंडे में नहीं है। भाजपा की ओर से अनेक बार स्पष्ट किया जा चुका है, और राम मंदिर के बनाने के खातिर, अरे एक क्या, अगर 10 बार सरकारें कुर्बान करनी पड़ेगी तो हम तैयार हैं, क्योंकि हम राम मंदिर को किसी जाति का, किसी मजहब का, राजनीति का, वोट का ये हम प्रश्न नहीं मानते। ये राष्ट्रीय प्रश्न है, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है। नहीं, ये तो बड़ा होशियारी भरा स्टेटमेंट लगता है कि बीजेपी के एजेंडा में नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के एजेंडा में हो सकता है, बजरंग दल के एजेंडा में हो सकता है। वो काम कर देंगे, वो गिरा देंगे काशी मथुरा में, कुछ भी कर देंगे। आप कहेंगे मेरे एजेंडा में नहीं था, उनके इसमें था, मैं इस्तीफा दे देता हूं। जब बीजेपी कह रही है कि हमारे एजेंडे में नहीं है, तो हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हमारे एजेंडे में काशी और मथुरा का प्रश्न भाजपा के एजेंडे में नहीं है। दोबारा आप चीफ मिनिस्टर बने तो काशी और मथुरा में कुछ ना हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, काशी और मथुरा, काशी मथुरा, मैं कह रहा हूं कि काशी, इसके लिए क्या उपाय, काशी मथुरा गारंटी देते हैं? काशी मथुरा ही की बात क्यों की जा रही है? हम तो हिंदुस्तान के अंदर हर मजहब के, हर पूजा स्थल की सुरक्षा गारंटी देते हैं। नहीं, आप इस बात की गारंटी देंगे कि काशी और मथुरा में कुछ नहीं होने देंगे, चाहे जो संगठन कुछ करे, हम दोनों की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं? हमारा उत्तर है कि चाहे काशी हो चाहे मथुरा हो, इन सहित हिंदुस्तान के हर मजहब के हर पूजा स्थल की सुरक्षा की गारंटी देना सरकार की जिम्मेदारी। नहीं, आपकी सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार के मिनिस्टर रहेंगे, एज गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी। और हम जब एक बात कह दी कि चाहे कोई पूजा स्थल क्यों ना, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था हम करेंगे, और हमने साफ कह दिया, इसलिए कोई गोलबोल भाषा में नहीं बोल रहे हैं। राम मंदिर हमारे एजेंडा पे, उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी होगी चुकाएंगे, लेकिन काशी मथुरा भाजपा के एजेंडे में नहीं है। अच्छा, राम मंदिर की बात आप फिर उठा रहे हैं, कि इसका मतलब कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद राम मंदिर आप बनवाएंगे अयोध्या में? राम के मंदिर के निर्माण के मार्ग की बाधाएं उस दिन दूर होंगी जिस दिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, देश का जनप्रिय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बनेगा। क्योंकि अब जो गेंद है वो केंद्र सरकार के आंगन में पड़ी है, हम केंद्र के ऊपर दबाव डालेंगे कि राम के मंदिर के निर्माण की जितनी बाधाएं खड़ी हैं उनको दूर किया जाए। ऐसा तो नहीं कि आप चीफ मिनिस्टर बने और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वहां मंदिर बनवाना शुरू कर दे, कि अब तो हमारी सरकार है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग जानते हैं कि बॉल अब केंद्र सरकार के आंगन में है, इस नाते से मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। आप रोक पाएंगे विनय कटियार को? नहीं, सब समझदार लोग हैं।
जानते सब जानते हैं, विनय कटियार एक जिम्मेदार सांसद हैं, वो जानते हैं अच्छी तरह से कि केंद्र के पाले में पड़ी है गेंद। मुस्लिम समाज को आप कोई आश्वासन देते हैं कि अगर आपकी दोबारा यहाँ सरकार आई तो उनके साथ कोई ज्यादती नहीं? मुसलमानों को हम ये कह सकते हैं कि मुसलमानों को हमारे बारे में हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके धारणा बनानी चाहिए, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि हमारे शासनकाल में यह कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया कि यह हिंदू है या ये मुसलमान है। सुरक्षा की गारंटी सभी को दी गई। आज पूरे देश के अंदर कोई सच्चा हितैषी हो सकता है मुसलमान का तो भाजपा है। बाकी की पार्टियां मुसलमानों को वोट बैंक मान करके उनका शोषण करती हैं, उनकी जिंदगी से जुड़े सवालों को हल करने की किसी को चिंता नहीं। आज आपकी बात से कुछ ऐसा लग रहा है कि आप भी बीजेपी के अंदर अब वाजपेयी वाली लाइन पे चल रहे हैं, यानी कि मॉडरेट हो रहे हैं थोड़ा सा? नहीं, बीजेपी की लाइन कभी अतिवादी रही ही नहीं, बहुत संतुलित, इसमें कभी अतिवादिता आई नहीं हमारे यहाँ, वेल बैलेंस्ड व्यूज परंतु स्पष्ट।